Welcome in MS Learning Point 2020. Exercise 7A, write each verbal expression as an algebraic expression. First part, 3 more than T. Now look at the solution carefully. जब भी आपको मोर देन मिलता है तो इसके बाद जो भी नंबर या वेरिएबल दे रखा हो आपको सबसे पहले वही लिखना होता है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, आफ्टर मोर देन जो भी दे रखा है वो आपको सबसे पहले लिखना है, यानी सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे टी, उसके बाद मोर देन मतलब होता है प्लस, यानी यहाँ पर प्लस आ जाएगा, उसके बाद हम लिखेंगे थ्री, दैट इज द आंसर। नाउ लुक एट द सेकंड पार्ट, दैट इज सी लेस डी। नाउ लुक एट द सॉल्यूशन, आपको यहाँ पर देखिए सिर्फ लेस दे रखा है, देन नहीं है। अगर लेस देन होता तो हम सबसे पहले डी लिखते, लेकिन क्योंकि लेस दे रखा था तो हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। सो इन सॉल्यूशन हियर वी कैन राइट इज इक्वल टू सी माइनस डी, दैट इज द आंसर। नाउ लुक एट द थर्ड पार्ट, दैट इज वाई इंक्रीज्ड बाय 6। नाउ लुक एट द सॉल्यूशन, देखिए यहाँ पर इंक्रीज्ड के साथ बाई दे रखा है तो यहाँ पर हमें सिर्फ प्लस लगाना है, इसकी जगह हमें प्लस लगाना है और कुछ भी नहीं करना है। सो इन द सॉल्यूशन वी कैन राइट वाई प्लस 6। ऐसे अगर डिक्रीज दे रखा हो तो हम उसमें माइनस लगा देंगे। नाउ लुक एट द फोर्थ पार्ट, दैट इज एम डिक्रीज्ड बाय 8। नाउ लुक एट द सॉल्यूशन, देखिए अभी हमने इससे पहले इंक्रीज्ड करा था, यहाँ पर हमने प्लस लगाया था, यहाँ पर डिक्रीज दे रखा है तो हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे, यानी हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा एम माइनस 8। नाउ लुक एट द फिफ्थ पार्ट, फिर 5 टाइम्स x टाइम्स मतलब होता है हमें मल्टीप्लाई करना है, यानी हम सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ इतना लिखेंगे 5 इंटू एक्स, यानी मल्टीप्लाई करके हमारा हो जाएगा 5x। नंबर वन नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 1/2 ऑफ x। नाउ लुक एट द सॉल्यूशन, 1/2 क्या होता है हमारा 1/2 होता है। सो इन सॉल्यूशन वी कैन राइट 1/2, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, आपको मालूम है मल्टीप्लाई बाई एक्स। अब एक्स वन सा कितना हो जाएगा x अपॉन 2, दैट इज द आंसर। नंबर वन सेवन पार्ट, दैट इज द सम ऑफ ए एंड बी, सब मीन्स होता है प्लस, यानी इन दोनों का हमें प्लस निकालना है। सो इन द सॉल्यूशन वी कैन राइट ए प्लस बी, दैट इज द आंसर। नाउ लुक एट द एट पार्ट, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड क्यू। प्रोडक्ट मीन्स होता है मल्टीप्लाई, यानी हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करना है। सो इन सॉल्यूशन वी कैन राइट 3 इंटू क्यू, और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं वेरिएबल और नंबर की तो हम बीच में से मल्टीप्लाई को हटा देते हैं, इनविजिबल कर देते हैं, यानी ये हो जाएगा हमारा 3 क्यू। नंबर वन नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ वाई एंड 10। क्वेश्चन मीन्स होता है हमारा डिवाइड, यानी हमें इन दोनों को डिवाइड करना है। सो लुक एट द सॉल्यूशन केयरफुली, वी कैन राइट वाई डिवाइडेड बाई 10, और वी कैन ऑल्सो राइट वाई अपॉन 10, दैट इज द आंसर एंड दैट इज ऑल्सो द आंसर। नंबर वन नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 2 लेस देन m। फर्स्ट पार्ट जो हमने सॉल्व करा था वो था मोर देन, हमने वहाँ पर प्लस करा था और यहाँ पर करेंगे माइनस, लेकिन एक कॉन्सेप्ट क्या था हमारा, फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था जो देन के बाद नंबर दे रखा होता है वेरिएबल दे रखा होता है हम सबसे पहले उसी से ही स्टार्टिंग करते हैं, यानी हमारा सॉल्यूशन में हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट एम, उसके बाद लेस देन है तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस, उसके बाद हम लिखेंगे 2, दैट इज द आंसर। आंसर शीट में जो इसका आंसर दे रखा है वो दे रखा है 2 - m, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम जो क्राइटेरिया के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो वो लेस देन के बाद जो भी नंबर दे रखा होता है हम वही लिखते हैं, उसके बाद हमारा फर्स्ट नंबर लिखा जाता है और बीच में प्लस या फिर माइनस आता है। आंसर शीट में मिस प्रिंट हो चुका है, उन्होंने वहाँ पर प्रिंट कर दिया है 2 - m, वो गलत है। सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।